गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। भूलकुला कोतवाली क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्धपीठ हथियाराम मठ प्रांगण में नव निर्मित पुलिस चौकी का हुआ लोकार्पण। गाजीपुर जिले में आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भूलकुला कोतवाली क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्धपीठ हथियाराम मठ प्रांगण में नव निर्मित पुलिस चौकी का शुक्रवार को लोकार्पण किया गया। हथियाराम सिद्धपीठ के पीठाधिपति महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति महाराज के सानिध्य में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने फीता काटकर पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। अपने उद्बोधन में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने कहा कि आजमगढ़ और मऊ जनपद की सीमा पर स्थापित इस पुलिस चौकी से आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। वहीं भूलकुला कोतवाली क्षेत्र में खुले इस दूसरी पुलिस चौकी से क्षेत्र की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। आसपास की जनता को पुलिस संबंधी समस्या का त्वरित निस्तारण कराने का अवसर प्राप्त होगा और जनता को 10 से 12 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि आज के परिवेश में साइबर क्राइम और सड़क दुर्घटनाएं काफी बढ़ गई है, लोगों को इससे बचने की जरूरत है। तकनीकी युग में जहां मोबाइल और तकनीकी सेवाओं का विस्तार तो हुआ है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जनता से यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही महिलाओं का आह्वान किया कि वह भी गाड़ी पर हेलमेट लगाकर ही बैठे। उन्होंने किसी के साथ साइबर क्राइम की घटनाएं होने पर तत्काल 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराने की बात कही। अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र प्रसाद ने छोटे मोटे मामले ग्राम स्तर पर ही सुझाने की अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं कोई जमीनी विवाद है तो उसके लिए नाजायज पुलिस के चक्कर में न पड़ते हुए राजस्व विभाग से अपना सीमांकन कराएं और विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने दें। वो प्रशासनिक व्यवस्था में बैठा हुआ आदमी हो या जन सामान्य के रूप में, लेकिन पुलिस की जितनी भी उपलब्धियां हैं उन्हें नहीं नकारा जा सकता। पहले पुलिस को केवल एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले 15-20 साल में पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट माना जाने लगा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से आधारभूत सुविधाओं का हम विकास करते हैं, वैसे ही ये देखा गया है कि आजकल जहाँ भी कहीं कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है या सरकार का कोई स्पेसिफिक जोन आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन वगैरह आते हैं, वहाँ पुलिस की व्यवस्था पहले की जाती है। क्योंकि पुलिस के आने से वहाँ लोगों में एक सुरक्षा का भाव पैदा होता है, जिससे कि लोगों के अंदर वहाँ पैसा खर्च करने का भी फिर उत्सुकता रहती है। और सामान्य रूप से ये देखा जा रहा है महाराज जी, जहाँ पुलिस का थाना या चौकी घर बन जाती है वहाँ जमीन के भाव उसी दिन से दुगने तिगने होने शुरू हो जाते हैं। ये केवल इसलिए नहीं कि इसलिए कोई और कारण है, उसका कारण है कि लोगों के अंदर इतना विश्वास हो जाता है कि वो अपने ये सोच सकते हैं कि वहाँ कहीं आसपास कोई धंधा उद्योग धंधा या किसी तरह का वो कर सकते हैं। जब इसके साथ साथ पुलिस का अपना व्यवहार में भी परिवर्तन आया है, क्योंकि आजकल इतने मीडिया है, आजकल कोई भी बात हो हम लोग भी ठीक कर रहे हैं, कोई भी घटना हो पुलिस से पहले वो सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम लोगों को मालूम पड़ जाती है। लेकिन कई बार इस सोशल मीडिया और पत्रकार बंधुओं से जिसमें वो इंटरेस्टेड रहते हैं वो 20-20 दिन बाद की चीजों को उखाड़ते हैं, तो वो भी एक फायदा होता है। कभी कभी जो चीजें दबी रह जाती है वो भी मालूम पड़ जाती है। ये पुलिस के सामने नई चुनौती आ रही है। पहले पुलिस के बहुत से ऐसे कार्य थे जो छुप जाते थे, लेकिन अब क्योंकि हर जगह मीडिया है, हर जगह कैमरा है, और ना केवल पुलिस बल्कि सारे ही अधिकारी अपने उत्तरदायित्व का बोध ये कैमरा भी कराने लगा है। ये शायद एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी चीज भी है, और लोग इसका जन सामान्य को भी फायदा मिल रहा है, और जो अधिकारी कर्मचारी सही काम कर रहे हैं उन्हें मदद मिल रही है। अलबत्ता जो गलत काम करते हैं उन्हें थोड़ा सा हो सकता है कष्ट हो रहा होगा, लेकिन पत्रकार अपना जो दायित्व निभा रहे हैं।